और सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए आज जगह जगह रांची में शोभा यात्रा और झांकी निकाली जाएगी, अभी क्या तस्वीर और क्या भक्तिमय माहौल वहां देखने को मिल रहा है? देखिए अभी हम फिलहाल चौराहे पे हैं और दिखाना चाहेंगे कि जो झांकी का स्थिति है बिल्कुल धीरे धीरे निकल जाती है। और आप ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह झांकी लोगों में उत्साह है कि आखिर जो झांकी की तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। और लगातार जो उत्साह है लोगों के बीच रामनवमी के लेकर वो पूरे उत्साह के साथ लोग झांकी, हम अपने कैमरामैन सुरकांत तिवारी से कहेंगे कि झांकी जो जिस तरह रामनवमी झारखंड में पूरे उत्साह और जोश खरोश के साथ मनाया जाता है और उसको लेकर पूरी तैयारी आज पूरे जोश के साथ लोग निकल रहे हैं। और इस जोश में खास करके युवा, बुजुर्ग, महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और इस हिंदू महापरिवार के तरफ से प्रतियोगिता भी रखा गया है कि आखिर जो झांकी फर्स्ट और सेकंड करेगा उसका उसे पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए हम दिखाना चाहेंगे कि तलवारबाजी किया जा रहा है और साफ साफ स्थिति है कि जो अपने जोश खरोश है, स्थिति है कि अपने जोश खरोश जो झारखंड वासियों में है वो साफा जो देखने को मिल रहा है। और जो स्थिति है कि और रामनवमी को लेकर चारों तरफ जो तैयारी है और जुलूस अपने चाहे वो लगभग 600 खाड़क में जुलूस जो है रांची में निकल चुका है। और जो हम कुछ कोशिश करेंगे कुछ महिलाएं से बात करने के लिए और जो स्थिति है कि कुछ जो श्रद्धालु हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? जय श्री राम, जय जय श्री राम। कैसे मना रहे हैं रामनवमी? अभी जो खुशी हम लोगों को पा ले रहे हैं आज खुशी हम लोग मना रहे हैं। जैसे 22 जनवरी को हमारे प्रभु राम अपने घर में विराजमान हुए हैं उसी तरह से आज हम लोग पूर्ण हर्षोल्लास के साथ क्या उत्साह है आज? बहुत ज्यादा उत्साह है। हम लोग तो मन कर रहे हैं कि झूम झूम के नाचे और तलवारबाजी भी बहुत करे। यही देख सकते हैं कि ढोल नगारों के साथ जो ढोल नगारों के साथ अपने राम को मनाने के लिए महाराष्ट्र में तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत और अद्भुत। क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई राममय नजर आ रहा है और भक्ति भाव से ये झांकी निकाली जा रही है। हम चाहेंगे कुछ और भी तस्वीरें आप दिखाइए और जो भक्त वहां मौजूद हैं, जो लोग झांकी में शामिल हुए हैं खास करके महिलाएं, उनसे भी बातचीत कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि कुछ महिलाएं शामिल हैं उनसे बात करने का और जो स्थिति है आज क्या कहेंगे। पंडाल है उसमें राज्यसभा सांसद
जुलूस में सब शामिल हो रहे हैं। जी रश्मि, बिल्कुल संतोष, ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रांची में आज अलग अलग झांकियां निकाली जा रही है और इन झांकियों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। संतोष, लगातार ये तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है और ऐसे में प्रशासन को भी पैनी नजर और चौकसी बरतनी होगी। देखिए, लगभग जो सुरक्षा की बात करें, लगभग 15 ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं सुरक्षा में, लगभग 1500 फोर्स लगाए गए हैं, 4 एसपी की नियुक्ति हुई है और लगभग 10 डीएसपी, जो डीएसपी के अधिकारी है उनकी नियुक्ति हुई है। चरम सीमा है, क्योंकि लोग झूम रहे हैं, उस सुरक्षा कोई खलन ना हो पाए इसके लिए पूरे मॉनिटरिंग की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं कोई सुरक्षा में चूक न हो जाए इसका ख्याल रखा जा रहा है। और जो स्थिति है कि जो सुरक्षा में कोई चूक न हो जाए इसका ख्याल बिल्कुल रखा जा रहा है। और जो उत्साह है लोगों के बीच देखा जा सकता है, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आज क्या कहेंगे रामनवमी है? रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी राम भक्तों को, मर्यादित होकर रामनवमी मनाए, जय श्री राम। देख सकते हैं कि हाथों में तलवार लेकर और साफ जो रामनवमी का उत्सव है, जो उत्सव है उनको मनाने के लिए जोशो खरस से जुलूस के साथ लोग निकल गए हैं। हाथों में तलवार गदा, जो जो पारंपरिक हथियार है और सभा होती है, जो बचा हुआ है, जो सजा है, उससे लोग अपने जुलूस के साथ निकले हैं। और खास करके जो रांची का जो रामनवमी त्योहार है बिल्कुल जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। और जी रश्मि, बिल्कुल संतोष, तो ये तस्वीरें रांची की सड़कों पर जहां झांकी निकाली गई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस झांकी में शामिल हुए हैं, हाथों में तलवार लिए, वहीं महिलाएं ढोल नगाड़ों के साथ थिरकती हुई इस झांकी में शामिल हुई है। तो बेहद ही मनोरम तस्वीरें रांची की, और आज अलग अलग झांकियां निकाली जाएगी। देश भर में हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। संतोष, हम चाहेंगे झांकी की तस्वीरें भी दिखाइए और कुल कितनी झांकियां निकलेगी, क्या पूरी जानकारी और कहां से लेकर कहां तक झांकी जाएगी, क्या पूरी तस्वीरें है अभी वहां की? देखिए, जो मान्यता है कि रांची फिलहाल से निकलकर झांकी जो है फिलहाल से निकलकर टप्पो बन जाती है, वहां जो महावीर जी का मंदिर है वहां झंडा का स्पर्श कराया जाता है और उस स्पर्श के बाद ही लगभग 600 अखाड़े से झांकी निकलती है और वो जो 600 के अखाड़े से झांकी निकलकर तपो बन जाती है और उसके बाद वहां से समापन होती है, चाहे वह किसी रांची के किसी कोने से हो, और पूरी ख्याल से पूरा सुरक्षा के साथ पूरी झांकी निकलती है। और अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जो झांकी का दृश्य है लोगों के बीच जो उत्साह है वो देखने लायक होगी। और देखिए मंच पर जो स्थिति है, कुछ लोग मंच पर हैं और जो जो चाहे लोग हो चाहे महिलाएं हो, बिल्कुल संतोष, तस्वीरें लगातार आप साझा करते रहिए, हम अपने दर्शकों को लगातार झांकी की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। भक्तों में बेहद ही उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि 500 साल के बाद ये अवसर आया है जब अयोध्या में भी राम लला के जन्मोत्सव को मनाया गया है और ये एक अलग खुशी है जो भक्तों में देखी जा रही है। कुछ और भी लोगों से बातचीत कीजिए और तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। संतोष, जो है लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जो बात करने की कोशिश करेंगे और जो स्थिति है कि आज जो हमारे साथ जो कुछ महिला जो राज्यसभा सांसद महुआ मांझी है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जो जो स्थिति है और
आज जो रामनवमी पर्व मनाया जा रहा है और मनाने का क्या रामनवमी पर्व मनाया जा रहा है आज, क्या कहेंगे रांची के जनता? देखिए, सबसे पहले तो रामनवमी की देशवासियों को, झारखंड वासियों को ढेर बधाई, शुभकामनाएं, और भगवान श्री राम से यही दुआ मांगेंगे कि हमारे राज्य में, हमारे देश में सही मायने में राम राज्य कायम हो, तभी भगवान श्री राम को सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हमारे रांची में जो सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल है ये हमेशा कायम रहे। अभी सरूल में ईद में रामनवमी, मेरे साथ कुछ और महिलाएं हैं, बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे रामनवमी में आज रांची वासियों को? रामनवमी में रांची वासियों को क्या कहेंगी? रांची वासियों का गजब उत्साह देखने को मिल रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं कि राम लल्ला को हम लोगों ने अपना स्थान दे दिया है। और आप देख सकते हैं कि सारा रांची वासी कितने खुश हैं इस रामनवमी में।